खरगोन जिले की सभी तहसील खरगोन, खरगोन नगर, कसावद, महेश्वर, बड़वाह, सनावद, गोगावा, भीकनगांव, झिरनिया, भगवानपुरा व सेगांव में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सभी इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें 9925046607। खरगोन में पीजी कॉलेज में शुक्रवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग खंडपीठ द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्रकरणों के निवारण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बच्चों से संबंधित कई प्रकरण सामने आए। आयोजन आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि शिविर में 500 से अधिक बच्चों के प्रकरण सामने आए, जिसमें बच्चों को दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, उपकरण, पेंशन सहित कोविड में पालकों की मौत होने से बैंक कर्ज लौटाने या शिक्षा ऋण लेने में आ रही समस्याएं सामने आई। इन सभी प्रकरणों को दिल्ली ले जाया जाएगा। हर एक प्रकरण का निराकरण होगा। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जैसी शिकायतें मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए गए। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी शिकायतें सुनने के लिए, शिकायतों का निराकरण करने के लिए शीर्ष निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने राज्य बाल आयोगों के साथ मिलकर ये तय किया है कि हम देश के 75 उन जिलों में जहाँ वनवासी, आदिवासी, जनजातीय आबादी 20% से अधिक है, वहाँ अपनी बेंच लगाएंगे और बेंच के माध्यम से हम बच्चों से जुड़ी हुई समस्याओं का निराकरण करेंगे। ये आयोजन आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है, जिसके तहत आज खरगोन में ज़िले की बेंच लगाई गई। यहाँ राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविन मोरे जी मेरे साथ उपस्थित रहे। लगभग 500 से अधिक प्रकरण अभी तक हमारे समक्ष आ चुके हैं। अब आपके जो सवाल होंगे ले लीजिए। देखिए, मैं आपको दो तीन सवाल हैं, सबके अलग अलग जवाब दीजिए। जो बच्चे बाल स्वराज पोर्टल, राष्ट्रीय बाल आयोग पर जिनकी जानकारियां दर्ज हैं, जिन्होंने अपने माता पिता या दोनों में से किसी एक कमाने वाले सदस्य को अप्रैल 2020 से लेकर अभी तक खोया है और जिनको मदद की आवश्यकता है, ऐसा स्थानीय प्रशासन ने माना है, उनकी सूचना बाल स्वराज पोर्टल पर दर्ज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि ऐसे बच्चों को स्कूली शिक्षा के दौरान EWS कैटेगरी का माना जाए। जो फीस देने में असमर्थ हैं, उनसे जबरन फीस की वसूली ना की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी इस संबंध में सक्षम अधिकारी है, जो आदेश दे। शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 29 साफ साफ प्रावधान करती है कि करिकुलम वो होगा, सिलेबस वो होगा जो करिकुलम का पार्ट होगा। करिकुलम NCERT और SCERT का होगा। प्राइवेट पब्लिशर की किताब किसी स्कूल में ज़बरदस्ती नहीं लगाई जा सकती। ये कानून का उल्लंघन है। हमारे पास शिकायत आएगी, हम कार्रवाई करेंगे। सर, ट्राइबल में अभी की जगह जगह तो एजुकेशन की कमी के चलते उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ शिकायत करनी और किससे करनी है। देखिए, ये आयोग की बेंच लगाने का जो उपक्रम है, वो इसी समस्या को समाधान करने की दिशा में एक प्रयास है। हमने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत, ये सारे प्रकरण हमारे साथ दिल्ली चले गए और जब तक इन प्रकरणों का निराकरण नहीं होगा, कोई भी कंप्लेंट बंद नहीं मानी जाएगी। तो ये जितनी भी शिकायतें हमारे पास आज आई हैं, चाहे वो बच्चे हमसे मिले या नहीं मिले, लेकिन संबंधित विभाग तक पहुँचे या उनका पंजीयन मात्र अगर हो गया है, तो वो सारी नोटशीट, वो नोटशीट हमारे साथ दिल्ली जाएंगी। दिल्ली से एक एक शिकायत के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक एक शिकायत पर स्थानीय प्रशासन से जवाब मांगे जाएंगे। जब तक शिकायत का निराकरण नहीं हो जाएगा, कंप्लेंट हमारा नहीं है। सर, पालकों का यही कहना है कि जैसे CM हेल्पलाइन में शिकायत करते हैं, अगर कोई बच्चे से संबंधित कोई शिकायत हो तो क्या आप तक पहुँचेंगे? CM हेल्पलाइन का राष्ट्रीय बाल आयोग से वास्ता नहीं होगा। राष्ट्रीय बाल आयोग भारत सरकार का एक निकाय है जो कि भारत सरकार के अधीन काम करता है। CM हेल्पलाइन मध्य प्रदेश का एक उपक्रम है, तो मध्य प्रदेश सरकार उसके बारे में। सर, खरगोन जिले का आदिवासी जिला है और यहाँ पे सर खेतों में मजदूरी के लिए ले जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं और ठेकेदार भी यहाँ पर काम
करवाते कई बार जिला प्रशासन द्वारा इसमें कार्रवाई की गई, लेकिन कारगर कार्रवाई नहीं होने से। लेकिन कारगर समाधान क्या है? मैंने सवेरे खरगोन नहाते से ही सबसे पहले जिन्होंने मुझे नाश्ता दिया उनसे ये सवाल पूछा कि मिर्ची क्या भाव करी। उन्होंने बताया कि मिर्ची उन्होंने 50 रुपये किलो खरीदी, वो भी फुट कर ले। अब थोक का रेट उससे कम, किसान को जो पैसा मिल रहा है उससे कम, पोस्ट कटिंग के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक समस्या है। हमने कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों को आज बुलाया है, उनके साथ बैठकर बात करेंगे कि वो इक्विपमेंट्स क्या बनाए जा सकते हैं यहाँ पे क्रॉप कटिंग के लिए जो बच्चों का इस्तेमाल करना है। वो तो आयोग के संज्ञान में, हम भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ इस मामले को उठाएंगे। वो टेक्निकल समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे हम कम से कम बच्चों का मेन पावर के रूप में यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, वो शिक्षा से नहीं जुड़ पाते हैं आदिवासी। मैं आपके मैं जड़ की बात कर रहा हूँ और आप ढगाल पकड़ रहे हैं। जड़ ये है कि हमको सभी की आर्थिक स्थिति को इतना ऊपर उठाना होगा, किसानों की, मजदूरों की, आदिवासियों की, जिससे कि ये जो ये एक मजबूरी है जिसमें बच्चे मजबूरी करने जा रहे हैं, इस मजबूरी से मुक्ति के लिए हमको वैज्ञानिक समाधान खोजने पड़ेंगे। आयोग उस दिशा में प्रयास करने के लिए इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च से बात करेंगे। Subscribe now to most exciting channel ever.